सभी का आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। नजर आते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जनपद एटा में आज रिजर्व पुलिस लाइन 26 जनवरी को आयोजित होने वाली पुलिस गणतंत्र दिवस परेड 2020 का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। पूर्वाभ्यास परेड की कमान क्षेत्राधिकारी सकेट राम निवास द्वारा की गई। परेड में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, रेडियो टीम, फायर टीम, चिकित्सा टीम तथा डॉग स्क्वाड आदि टीमें शामिल रहे। उक्त पूर्वाभ्यास के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह द्वारा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परेड में और अन्य सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में शामिल पुलिसकर्मियों से वार्तालाप कर उन्हें गणतंत्र दिवस की महत्ता के बारे में अवगत कराया गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता राघवेंद्र यादव के साथ। पहले पहले ट्रैफिक के पुलिस जवानों की सर्विस पर परेश कुमार राणा के नेतृत्व में जबरदस्त परेड। मंच के पास आकर अपना परिचय मुख्य अतिथि महोदय को देखिए, साथ में रहेंगे परेड के प्रथम कमांडर। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान पहली नंबर 11 सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवीर सिंह और अंत में परेड के थर्ड कमांडर श्री विजय सिंह एसआई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा की कठिन परिश्रम एवं लगन का ही परिणाम है और सारे जवानों का ही परिणाम है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जनपद श्रावस्ती में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 26 जनवरी की तैयारी को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। यह रिहर्सल पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी कर्मचारियों की कार्रवाई को बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा सभी से फुल जोश के साथ परेड करने के लिए उत्साहित किया गया। 26 जनवरी को होने वाली परेड के प्रथम कमांडर क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर जंग बहादुर यादव, द्वितीय कमांडर उपनिरीक्षक महबूब आलम, तृतीय कमांडर उपनिरीक्षक शिव कुमार बनाए गए। साथ ही साथ परेड के लिए 8 टोलियां बनाई गईं तथा वाहन दस्ता जिसके कमांडर उपनिरीक्षक दयानंद यादव बनाए गए हैं। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अनिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।